ओम शांति। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक विचार है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल थॉट पर नहीं निर्भर करेगा। कर्म किए बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात ठीक है कि थॉट इज द सीड ऑफ एक्शन। पहले हम थॉट करेंगे फिर ही कर्म होगा ना। थॉट आया, हमारा उसके प्रति आकर्षण था, परंतु कर्म भी चाहिए। थॉट हो गया कर्म करने का और हम कर्म नहीं करें तो सफलता नहीं मिलेगी, कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। संकल्प में शक्ति है कि वो हमें कर्म करने के लिए शक्ति प्रदान करे, सामर्थ्य दे, परंतु वो सामर्थ्य भी तब मिलेगा जब संकल्प पावरफुल होगा। उस संकल्प में निश्चय होगा। और ये याद रखना है, खाली संकल्प से नहीं, केवल बार बार उसको सोचने से नहीं, बार बार सोचकर अपने आप को उस कर्म करने के प्रति प्रेरित करना होगा, माइंड मेकअप करना होगा, तब उस कार्य को करने पर सफलता मिल सकती। परंतु कुछ लोग केवल संकल्प से ही समझते हैं कि हम संकल्प से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सफलता प्राप्त कर ले, वो नहीं हो सकता और नहीं होगा। और कहीं कहीं किसी किसी को किसी भी कारण से उसने कोई संकल्प किया और पूरा हो गया, तो चांस की बात है, वो चांस की बात है कि आपने भी संकल्प किया और पूरा हो गया, कुछ देर बाद पूरा हो गया। तो हमें समझ में आ रहा है कि हम सब कुछ प्राप्त हो सकता है, कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। प्राप्त होगा तो आपके कर्म से होगा। जब आप अपने संकल्पों को प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको प्राप्त होगा। ये लाइन याद रखना है, बिना प्रैक्टिकल किए केवल संकल्प से सफलता प्राप्त नहीं होती। लॉ ही नहीं है, नियम ही नहीं है। संकल्प से हम अपने कर्म को सशक्त बना सकते हैं। संकल्प कमजोर है तो हम अपने कर्म को कमजोर कर सकते हैं, परंतु संकल्प से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता।
केवल संकल्प से। अच्छा, और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।